रोहित को पोदार हाउस लेकर आएगी रूही, जिसे देखते ही अरमान के छलक आएंगे आंसू। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां आने वाले लेटेस्ट एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि अरमान घर में सबसे पूछता है कि आखिर कड़ा प्रसाद कौन लेकर आया था, लेकिन घर में मौजूद सभी लोग इस बात से मना कर देते हैं। और तभी वो दादी सा की बातें सुन लेता है, जिसमें वो बता रही है कि उनसे महसूस होता है कि रात को कोई उनके कमरे में आया था और अस्पताल में भी उन्हें बिल्कुल ऐसा ही लगा था। अब ऐसे में अरमान कमरे की खिड़की देखता है तो उसे पता चल जाता है कि कोई तो कमरे में घुसा ही था। अब ये बात जाकर वो अबीरा को बताता है तो दोनों फिर अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए जाते हैं। तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी दिखता है, लेकिन उसने मास्क लगाया होता है। अबीरा और अरमान दोनों ही हैरान रह जाते हैं। वहीं शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रूही अपने बीनानू के साथ कार में कहीं जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक कार का एक्सीडेंट हुआ होता नजर आता है। और जब रूही अपनी कार से निकलकर देखती है कि आखिर किसका एक्सीडेंट हुआ है तो उस कार में रोहित को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और वहीं पर बहुत तेज चेत चिल्ला पड़ती है। फिर वो बीनानू के साथ रोहित को अस्पताल लेकर जाती है और फिर पोदार हाउस लेकर उसे आखिर में पहुंच जाती है। अब इस मौके पर अभिरा और अरमान भी सबको रोहित के बारे में बता ही रहे होते हैं, लेकिन एकदम से रूही के साथ रोहित को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वहीं पोदार हाउस के सभी लोग काफी इमोशनल होते नजर आएंगे और हर कोई रोहित के लिए रोता हुआ और अरमान अपने भाई को गले लगाता हुआ भी दिखाई देगा। अब इस पूरे इमोशनल ड्रामे में अभिरा घर के बाहर ही खड़ी रहती है और इसके बाद सभी लोग रोहित को उसके रूम में लेकर जाते हैं और दादी सा उसकी फोटो से फाइनली हार हटा देती हैं। वेल, अब आने वाले एपिसोड में देखना होगा कि क्या रोहित किसी एजेंडा के साथ पोदार हाउस में आया है और ये जानना होगा कि आखिर रोहित का मकसद है क्या। वेल, ये तो अब देखना होगा टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में ही, जिसमें कहानी होने वाली है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।